दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसको देखकर आप भी कहोगे कि यार यह भी अपने आप में क्या टेक्नोलॉजी है। सबसे पहले आप एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखिए, इसमें एक क्रोकोडाइल और एक फिश की फाइट चल रही है। इसमें यह क्रोकोडाइल इस फिश पर अटैक कर देता है और बदले में इसको यह फिश ऐसे इलेक्ट्रिक शॉक मारती है कि यह पैरालाइज हो जाता है और जान बचा के यहाँ से भाग जाता है। हाँ भाई, इलेक्ट्रिक शॉक, बिजली के झटके। यदि आपने जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड मूवी देखी हो तो उस मूवी के लास्ट सीन में एक बहुत ही बड़ा सबमरीन होता है जो बहुत पुराना होता है, जिसकी बैटरी एकदम डेड हो चुकी थी। तो उसको स्टार्ट करने के लिए एक बड़ी सी फिश से इलेक्ट्रिक शॉक लगाए जाते हैं और वह स्टार्ट हो जाता है। मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप भी देखना। और यह जो इलेक्ट्रिक फिश है ना, इसका नाम है ईल। इलेक्ट्रिक ईल की यदि मैं आपको पावर बताऊं तो यह कंटिन्यूसली अपने आप को डिस्चार्ज करती रहती है, और उस टाइम यदि इसके लपेटे में कोई आ गया तो 2-3 मीटर की दूरी में यदि कोई छोटा मोटा जानवर है तो वह मर जाएगा। इतना जबरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक मारती है यह। जो एक बड़ी इलेक्ट्रिक ईल फिश होती है वह 900 वोल्ट तक इलेक्ट्रिक शॉक मार सकती है। समझते हो 900 वोल्ट कितना होता है? हमारे घरों में 240 वोल्ट की सप्लाई आती है। उसका शॉक भी हमारे बचपन की यादें ताजा कर जाता है। अब हर जानवर में कोई ना कोई कमी होती है, इसलिए उसके पास एक स्पेशल पावर होती है। इलेक्ट्रिक ईल की आंखें बहुत ही कमजोर होती है तो वह ज्यादा दूर देख नहीं पाती है, इसलिए यह अपने आसपास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके रखती है, और जैसे ही कोई इसके फील्ड में आता है तो वह उससे पता कर लेती है। और यही इसका शिकार करने का तरीका है। जिस भी किसी अदर जानवर को इसको पकड़ना है तो यह उसके इतने जबरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक मारती है कि वह जानवर पैरालाइज हो जाता है और इसके झटके खाकर मर जाता है, और फिर उसको यह खा जाती है। इलेक्ट्रिक ईल इलेक्ट्रिक शॉक अपनी स्किन के थ्रू डिस्चार्ज करती है। यदि इसको कहीं भी कोई टच हो जाता है तो उसको जबरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। अब अपन यह समझते हैं कि यह इतने पावरफुल इलेक्ट्रिक शॉक कैसे दे सकती है और इसको खुद को क्यों इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसके पास में इलेक्ट्रिसिटी आती कहां से है, यह कैसे अपने आप को चार्ज करती है। देखिए, इलेक्ट्रिक ईल का जो नर्वस सिस्टम है वह थोड़ा स्पेशल टाइप का है। शरीर में और भी बहुत ऑर्गन होते हैं, जैसे हार्ट होता है, माइंड होता है, तो इनको यदि इतना पावर का शॉक लग गया तो यह खुद ही मर जाएगी। पर ऐसा नहीं है, इसको खुद को कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है। जब यह किसी जानवर को शॉक मारती है तो इसके लिए वह एक एंजॉय करने जैसा है, लेकिन जिस जानवर को यह शॉक लगता है उसके चारों खाने चित हो जाते हैं। अब वह चाहे क्रोकोडाइल ही क्यों ना हो। इसका आप बॉडी स्ट्रक्चर देखिए थोड़ा सा। इसकी बॉडी में मेनली 3 ही पार्ट है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, और यही पावरफुल इलेक्ट्रिक शॉक जनरेट करते हैं, लेकिन तीनों का काम अलग है। इसके तीनों बॉडी पार्ट में मिलियंस ऑफ सेल होते हैं, और इसके सेल को इलेक्ट्रोसाइट कहते हैं, और हर एक सेल एक बैटरी की तरह काम करता है जिसके पास में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं, और यह मिलियंस ऑफ सेल एक दूसरे से सीरीज में जुड़े रहते हैं और इस तरीके से एक बड़ी बैटरी बना लेते हैं। जब इसको किसी जानवर पर अटैक करना होता है तो इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम कमांड देता है, और जैसे ही कमांड इन सब सेल के पास में पहुंचती है तो यह सभी सेल एक दूसरे के साथ में जुड़कर एक पावरफुल इलेक्ट्रिक शॉक जनरेट करते हैं, और एक साथ पूरी पावर के साथ में जो भी जानवर है उसको जबरदस्त शॉक लगाते हैं। यदि वह मर गया तो ठीक है, और यदि वह नहीं मरा तो इस हालत में नहीं रहता कि वह इससे बचकर भाग जाए। एक इलेक्ट्रिक शॉक देने के बाद में इसको थोड़ा सा टाइम लगता है अपने आप को रिचार्ज करने में, तो वह जानवर यदि भाग गया तो ठीक है, वरना फिर से यह इलेक्ट्रिक शॉक देने की कैपेसिटी रखती है। यदि इसके अंदर के बॉडी पार्ट देखोगे तो इसके जो पीछे वाला पार्ट है सेस ऑर्गन, इसमें लो वोल्टेज पल्स जनरेट होती है। इसका यह जो पीछे का पार्ट है यह एक रडार और नेविगेशन की तरह काम करता है, जो इसके आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करके रखता है, जो यह सेंस करता है कि आसपास में यदि कोई जानवर आता है तो उसको ढूंढने का काम करता है। और यह जो दोनों बीच के पार्ट है मेन और हंटर ऑर्गन, यही दोनों ऑर्गन पावरफुल इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट करते हैं। अब बात करते हैं कि इसको खुद को क्यों इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता। देखिए, इसके बारे में अभी तक कोई खास स्ट्रॉन्ग स्टडी नहीं है कि इसको खुद को क्यों शॉक नहीं लगता है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि यह जो पल्स जनरेट करती है वह सिर्फ 2 मिलीसेकंड के लिए होती है, जिसकी वजह से इसको पता नहीं लगता इतने से कम टाइम में। और ऐसा नहीं है कि जो बड़े जानवर होते हैं उनको यह मार सकती है, उनको यह मार नहीं सकती, लेकिन एक बार ऐसा शॉक लगता है जिससे वह पैरालाइज हो जाते हैं। जो शार्क फिश होती है कितनी पावरफुल और कितनी बड़ी होती है, उसको भी यह इलेक्ट्रिक शॉक दे सकती है और भगा सकती है। और यदि
यदि कोई छोटी शार्क फिश हुई तो उसको तो यह मार भी सकती है। आल्दो यह खुद इतनी बड़ी नहीं है, सिर्फ 2 मीटर लंबी है, यह फिर भी बड़े जानवरों को अच्छे से सबक सिखा सकती है। तो जब भी आप कभी ऐसी जगह जाओ जहाँ पर पानी में इलेक्ट्रिक ईल रहती है तो संभल कर जाना। वैसे आप इसके शौक से मरोगे नहीं, लेकिन एक पावरफुल शौक तो आपको लग ही जाएगा जिससे आपको यह अधमरा जरूर कर देगी। अब बात करते हैं कि इसके पास में यह चार्ज आता कहाँ से है इतना पावरफुल। देखिए, जो भी एनर्जी का सोर्स होता है वहीं से चार्ज मिलेगा, और इसका एनर्जी का सोर्स है इसका खाना, और खाने से ही इसके सेल्स चार्ज होते हैं। और जरूरी नहीं कि जब यह किसी जानवर पर अटैक करती हो तभी उसको शॉक देती है, यह अपने आप को डिस्चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिक पल्स छोड़ती रहती है। तो यदि इसकी चपेट में कोई आ गया तो उसका तो काम तमाम है फिर। तो दोस्तों, यह थी इलेक्ट्रिक ईल के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। कैसे लगी आपको जरूर से कमेंट में बताना, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जैसा कि लाही पड्डा ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टडी के लिए फेमस है, तो आप चैनल पर विजिट करोगे तो ऐसे ही आपको इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलेंगे। थैंक यू।